आज हम लोग करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ये क्वेश्चन मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो समझने के लिए क्वेश्चन से अगर हम लोग करें तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स इन ए क्लॉकवाइज कंपास ट्रैवर्स ए बी सी डी कंडक्टेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिवन द फॉलोइंग फोर बेरिंग्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लाइन्स। लाइन हो गया ए बी, फोर बेरिंग इसका है 40 डिग्री, बी सी 70 डिग्री, सी डी 210 डिग्री, डी ए 280 डिग्री और लास्ट में दिया अप्लाई दी चेक। तो जब हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम में इस तरह का प्रॉब्लम में हमेशा हम लोग फिगर पहले बनाएंगे। ये जो डाटा दिया हुआ है डाटा के अनुसार फिगर क्या होगा, लेकिन अभी हम इमीडिएट क्या करते हैं कि इसका बैक बेरिंग भी निकाल लेते हैं। बैक बेरिंग भी पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्योंकि फिर इसी को हमको लिखना पड़ेगा तो हम यहीं पर बैक बेरिंग निकाल लेते हैं। तो बैक बेरिंग क्या होगा, फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ये मेरा फॉर्मूला होता है फोर बेरिंग से बैक बेरिंग करने का। तो ये क्या है, ये दो जो है 40 डिग्री एंड 70 डिग्री, ये लेस देन 180 डिग्री है, तो इसमें 180 प्लस कर देंगे। डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 220 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री भी 180 डिग्री से कम है तो प्लस 180 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 250 डिग्री, 210 डिग्री ये क्या हो गया 180 डिग्री से ज्यादा है तो 210 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया ये 30 डिग्री। और ये 280 डिग्री भी 180 डिग्री से ज्यादा है तो माइनस कर देंगे। तो सबका बैक बेरिंग कैलकुलेट हो गया मेरा, ये मेरा कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर बनाते हैं। तो क्या है कंडीशन, ए क्लोज कंपास ट्रैवर्स एबीसीडी कंडक्टेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है सब। तो एक हम
सी डी का कितना है 210 डिग्री। ये हो गया मेरा पॉइंट डी, और डी ए का कितना है 280 डिग्री। तो अब हम लोग इसका क्या है एंगल फोर्टी डिग्री, इसका एंगल है 70 डिग्री, इसका एंगल है 210 डिग्री, और ये एंगल है मेरा 280 डिग्री। ये हो गया। अब हम यहां कैलकुलेट कर लिए हैं बैक बेयरिंग, तो अब एंगल इंटर नल एंगल क्या होगा, या इधर हम चेक करने के लिए या तो सभी इंटरनल एंगल निकालें या सभी एक्सटर्नल एंगल निकालें, ठीक है। तो एंगल अगर इंटरनल एंगल निकालते हैं, ये एंगल निकालना होगा, ये एंगल निकालना होगा, ये एंगल निकालना होगा, और ये एंगल निकालना होगा, ठीक है। तो ये एंगल निकालना होगा, ये कितना होगा, अब एक एक पर जाते हैं। एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, डी ए का बैक बेयरिंग होगा, डी ए का बैक बेयरिंग जो है ये 40 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तो ये बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैक बेयरिंग या इस तरह से लिखे डी ए बैक बेयरिंग माइनस ए बी फोर बेयरिंग, ये मिल जाएगा मेरा है। तो ये कितना है, डी ए का बैक बेयरिंग 100 डिग्री, ये हो जाएगा 100 डिग्री माइनस ए बी का फोर बेयरिंग क्या है 40 डिग्री, इक्वल टू ये हो गया 60 डिग्री। ये क्या हो गया इंटरनल, इंटरनल एंगल। अब एंगल बी को और एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल क्या होगा, ये एंगल को अगर किसी पॉइंट पर क्या होता है 360 डिग्री का एंगल होता है, तो एक्सटर्नल इसको क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लगी या हम लोग
360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 300 डिग्री, ठीक है। तो एक का हमको मिल गया दोनों एंगल, एंगल बी का क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, बीसी का फोर बेरिंग माइनस एबी का बैक बेरिंग। एबी का बैक बेरिंग क्या है, ज्यादा होगा, 180 डिग्री से ज्यादा है और ये 70 डिग्री है, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो एंगल बी इक्वल टू हो गया। एबी का बैक बेरिंग क्या है, एबी का बैक बेरिंग 220 डिग्री, तो ये हो जाएगा एबी बैक बेरिंग माइनस बीसी फोर बेरिंग, इतना इसको जो है एबी का बैक बेरिंग 220 डिग्री माइनस बीसी का फोर बेरिंग 70 डिग्री, इक्वल टू ये 150 डिग्री हो गया। इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इंटरनल एंगल, मेरा हो गया 150 डिग्री इक्वल टू 210 डिग्री, तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री और ये हो गया 150 डिग्री। और यहाँ पर इंटरनल एंगल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और एक्सटर्नल एंगल यहाँ पर लिख देते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो एक अब एक्सटर्नल एंगल क्या हो गया 300 डिग्री, बी का 210 डिग्री, ठीक है। तो ए और बी का हमको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिल गया। अब हम लोग सी डी पर कैलकुलेट करते हैं, एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, बैक बेरिंग ऑफ बी सी, बी सी का बैक बेरिंग माइनस सी डी का फोर बेरिंग, ठीक है। तो बी सी का बैक बेरिंग क्या है, बीसी का बैक बेरिंग 250 डिग्री, सीडी का फोर बेरिंग 210 डिग्री,
ये 40 डिग्री मिल गया। एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इंटरनल एंगल 40 डिग्री इक्वल टू, ये हो गया 320 डिग्री। तो ये हो गया 320 डिग्री। और अब हो जाएगा एंगल डी, तो सीटी का बैक बेयरिंग माइनस डीए का फोर बेयरिंग इतना इक्वल टू, अब क्या हो गया ये सीटी का बैक बेयरिंग क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस दिया जाएगा 280 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, फार्मूला चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो फार्मूला चेंज करते हैं क्या, डीए फोर बेरिंग माइनस सीडी बैक बेरिंग, ठीक है। तो डीए का फोर बेरिंग कितना है 280 डिग्री माइनस सीडी का बैक बेयरिंग 30 डिग्री, दो सौ पचास डिग्री। ये कौन सा एंगल हुआ? अब तो है कि हमारा कैलकुलेशन आ गया है, अब हम इसको मिटा सकते हैं। तो क्वेश्चन का पार्ट को हम लोग तो ये क्या हुआ, अब ये समझाते हैं तुमको एक फिगर से। ये पॉइंट मेरा सी है, इधर सी है कहते हैं, डी है, ये पॉइंट है डी, इधर पॉइंट है सी, इधर पॉइंट है ए। तो ये एंगल जो मेरा है ये कितना आया, सी डी का बैक बेयरिंग ये आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। और यहां से यहां ये है 280 डिग्री। तो 280 डिग्री में से ये 30 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हमको देगा है? तो ये जो आ रहा है
ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो इस तरह का जब केस है, जब तक फिगर नहीं बनेगा तब तक क्लियर नहीं पता लगेगा कि ये मेरा एक्सटर्नल एंगल होगा या इंटरनल एंगल होगा। तो अब ये आ गया एक्सटर्नल एंगल, इसको आप दूसरे तरह से भी हम लिख सकते हैं कि इंटरनल एंगल हमको चाहिए। तो अब हम इंटरनल एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एक्सटर्नल एंगल कर देंगे, ये हो जाएगा 250 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री हो जाएगा। होगा तो ये हो गया हंड्रेड टेन डिग्री है। और दूसरे तरह से और हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का केस में हम इस एंगल को निकाल लें पहले है? तो इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री ठीक है, ये इतना को घटा दिया 360 में से, तो ये एंगल हमको मिल गया ये पार्ट। अब प्लस 30 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, जब इस तरह का केस आ जाएगा या तो ये हो गया 110 डिग्री। तो इस तरह का केस में इंटरनल एंगल इक्वल टू होता है, हम लोग पहले सब क्या कर रहे थे, बैक बेंड में से फोर बेंड को घटा रहे थे, तो थ्री सिक्सटी डिग्री प्लस सी डी का बैक बेरिंग माइनस बी ए का फोर बेरिंग तो पहले तो हम यही फॉर्मूला लिखे थे, अब इस पे 360 डिग्री ऐड कर दिए तो हमको अंदर का भाग मिल गया। ये देखिए 360 डिग्री प्लस सी डी का बैक बेरिंग ये क्या है 30 डिग्री माइनस डी ए का बैक बेरिंग 280 डिग्री इक्वल टू आ गया 390 माइनस 210 गया 110 डिग्री। तो जब तक आप फिगर नहीं बनाएगा इस फिगर को तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि कहाँ इंटरनल एंगल का कैलकुलेशन मिल रहा है कहाँ एक्सटर्नल एंगल का मिल रहा है, इसलिए फिगर जरूरी है बनाना। रफ फिगर आप बना लीजिए उसके बाद तो ये हमको सब एंगल मिल गया। एक्सटर्नल एंगल यहाँ क्या था डी का 250 डिग्री सब कैलकुलेशन तो हो गया हमारा एंगल का। अब क्या करना है, अप्लाई दी चेक
अप्लाई जी चेक करना है तो समेशन ऑफ समेशन ऑफ एक्सटर्नल लैंग्वेज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला मेरा 2n प्लस 4 इंटू 90 डिग्री ठीक है। तो ये कितना हुआ कितना सर है 1 2 3 4 तो 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 90 डिग्री 8 12 180 डिग्री टोटल हुआ। अब एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 300 डिग्री प्लस 210 डिग्री प्लस 320 डिग्री प्लस 250 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री और 0 1 2 3 5 3 8 3 5 3 8 2 10 प्लस 4 into 90 degree hence okay external angle से calculate किया ये मिल गया मेरा। अब internal angle से अगर calculate करेंगे तो क्या होगा समेशन ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री और 60 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस
110 degree. Therefore, okay. तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल. जब आप निश्चित रूप से इस तरह का प्रॉब्लम में हमें ये फिगर बनाना होगा, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रावर्स हो, पेंटागोनल ट्रावर्स हो, टेट्राहेड्रल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगुलर हो, हेक्सागोनल हो, तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इंटरनल एंगल का सम और ये फार्मूला जो है मेरा, ये दोनों सेम है कि नहीं है. अगर ये नहीं है तब हमको करेक्शन अप्लाई करना होगा. तो आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं.